डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, जी आप अभी नारायणी साहित्य अकादमी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। जी अभी नारायणी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के होने होने के बाद आपका इसके नारायणी साहित्य अकादमी के प्रति अभी प्रसार प्रचार के लिए क्या काम कर रहे हो? जी धन्यवाद गीता जी। देखिए, मैं एक स्पष्ट उपचार की बात बता दूं कि नारायणी साहित्य अकादमी की लगभग 27 साल की गौरवशाली गाथा रही है। परम आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह जी के संरक्षण में और संस्थापन में ये अकादमी की शुरुआत हुई। हम हिंदी भाषा के प्रचार प्रचार के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने तक गए, पूरे भारतवर्ष में हम कोने कोने तक गए। हमने चूँकि जब मैं लगभग 20 वर्ष इसका जब राष्ट्राध्यक्ष रहा माननीय नामवर सिंह जी के द्वारा मनोनीत, तो मैंने पूरा प्रयास किया कि भारत के सारे राज्यों में इसका प्रसार प्रचार हो। हुआ भी, हमने संगठन के तौर पर लगभग भारत के सारे राज्यों में उसके प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को बनाया, जिससे कि नारायणी साहित्य अकादमी का हिंदी का प्रसार प्रचार बड़े सलीके और बड़े तरीके से हो सके। कच्छ से कोहिमा तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई सा प्रांत ऐसा नहीं था जहाँ नारायणी साहित्य अकादमी अपना काम नहीं कर रही हो। आपको बल्कि स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं, पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में इसकी बहुत सारी जिले स्तर तक शाखाएँ हो गई। दक्षिण भारत में हमारी शाखाएँ हो गई, महाराष्ट्र वगैरह हमारी सहायता हो गई शाखाएँ हो गई, उड़ीसा में हमारी शाखा हो गई, अगर आप जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों की तरफ जाएँ तो वहाँ हमारी शाखाएँ थी। उसके बाद हम आप सभी के सहयोग से, हिंदुस्तान के मुझे ऐसा ही लगता किसी भी साहित्यकार ने हमें सहयोग नहीं दिया हो, हमने हिंदी की सारी विधाओं में काम किया। हमने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हमने हम विशेष विधा में काम करेंगे, हम किसी गुट में नहीं रहे, हमने सभी को साथ लेकर काम किया और सभी ने हमें इस बारे में सहयोग दिया। हमने भारत से बाहर जैसे अखिल विश्व हिंदी समिति के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार मेहता साहब, उनको बुलाया, उनका सम्मान समारोह किया। अमेरिका से हमने शेर बहादुर सिंह जी को समय समय पर उनका सम्मान किया। आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी जो लंदन में बड़े प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार हैं, उनको बुलाया, उनका सम्मान किया। कनाडा में से हमने गोपाल वघेल जी को बुलाया, उनका सम्मान किया। बर्मिंघम से कृष्ण कुमार जी को बुलाया, हमने उनका सम्मान समय समय पर किया। और मॉरीशस के राजदूत और मॉरीशस के बहुत सारे साहित्यकार हमारे कार्यक्रम में हमेशा आते जाते रहे। नेपाल के साहित्यकार आए, भूटान के साहित्य आए। मैं कहने का मेरा अर्थ यह है कि हमने जब उस समय काम किया जब हम राष्ट्राध्यक्ष के सदस्य से काम कर रहे, सभी के सहयोग से काम किया। आदरणीय पुष्पा सिंह सेन जी उस समय महासचिव का काम कर रही थी, उन्होंने हमसे हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया। सारी टीम ने, प्रदेश की जितनी सारी टीम थी और जितने हमारे सहयोगी थे सभी ने काम किया। उस समय हरियाणा के प्रभारी के तौर पर बदला पसंद यादव थी, उन्हें बड़े अच्छी तरह से काम किया। उस समय उत्तराखंड को डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट देख रही थी, उन्होंने बड़े पारदर्शिता से बड़े अच्छी तरह से सुदूर जगह जाके काम किया। झारखंड में ममता बनर्जी काम देख रही थी और उसके बाद में झारखंड में ममता जी का नहीं, उधर पंजाब में आप देख रहे हैं डॉक्टर हरसिमरन कौर काम देख रही थी। पंजाब में नरेश नाथ साहब का बड़ा अच्छा बच्चा था, तो आसाम में राजस्थान में सुरेंद्र सार्थक, योगेंद्र शर्मा और ओम तिवारी की तिगड़ी बेहतरीन नारायणी साहित्य अकादमी के काम किया जी। उसके बाद अब इतना सारे काम होने के बावजूद अब चूँकि मुझे आदरणीय नामवर सिंह जी के द्वारा जून 2028 तक लगभग यानी 10 वर्ष के लिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का प्रभार मेरी निष्ठा मेरी मेहनत को देखते दिया है, तो मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से मैंने पूर्ण निष्ठा से पारदर्शिता से मेहनत से लगन से काम किया है, पूरी निष्ठा के साथ मैं भारत के बाहर हिंदी के प्रसार प्रचार के प्रति कृतसंकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर कार्य करूँगा। और आप सभी को अच्छा लगेगा कि हम नारी साहित्य अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर हम भविष्य में काम करेंगे। अभी उसके परिपेक्ष में एक बात बता दूं कि हमने निर्णय लिया है कि सारी नारायणी साहित्य अकादमी ने निर्णय लिया है कि अभी फरवरी में हम नारायणी साहित्य अकादमी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम करेंगे, जिस बारे में मेरी